विश्व विख्यात परम संत बाबा जागरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और ईश्वर के खुदा के दर्शन दीदार का सरल मार्ग बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को रक्षाबंधन का अर्थ और महत्व समझाते हुए संदेश दिया है कि आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, लेकिन बंधन से रक्षा करना ही असली रक्षा बंधन है। बंधन कौन सा? तो एक बंधन तो दुनिया का और दूसरा जीवात्मा का। तो इनसे मुक्ति मिल जाए तब आपका रक्षा बंधन हो। महाराज जी ने बताया कि जब तक जीवात्मा अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच जाती, उसे सुख नहीं मिल सकता, बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। रक्षाबंधन का त्योहार साल में एक बार आता है। आप बहुत से लोग ऐसे हो कि जो बहुत दिनों से मनाते आ रहे हो, राखी हाथ में बंधवाते हो, बहनें बांधती हैं, पूरी मिठाई बनाते हो, बहन दक्षिणाएं एक दूसरे को देते हो, मिठाई खाते खिलाते हो, लेकिन आपसे पूछा जाए कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है तो तरह तरह से लोग बताओगे। एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, एक ही मतलब होता है, लेकिन न समझ पाओ तो तरह तरह से अर्थ लगाते रहो। तो असली रक्षाबंधन क्या है? बंधन से रक्षा। कौन से बंधन? देखो, ये एक तो मोटा बंधन है दुनिया का, एक जीना बंधन है आत्मा का। तो इन दोनों से मुक्ति मिलेगी। तब तो बंधन छोटा, हमने बंधन में पड़े रह गए और बंधन में ही बंधे रह गए और बंधन में ही बार बार जन्म लिए और बंधते रहे, तो रक्षाबंधन कहाँ हो पाया? जब तक अपने घर मालिक के पास बंधन सारे काट करके नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों, आपके बंधन काटने के लिए ये त्योहार आता है, बंधन को समझने के लिए त्योहार आता है रक्षा बंधन का। गुरु से अंतर में प्रार्थना करते रहो कि गुरु महाराज, अति जन्म में ही हमारा काम बना दो और हमारे ऊपर दया करते रहो, हमको बुराइयों से बचाते रहो। जब गुरु याद रहेंगे, गुरु के वचनों को याद रखोगे, गुरु से प्रेम रखोगे, तो फिर आप उसमें फंसोगे नहीं, रहोगे बंधन में, लेकिन ये बंधन ढीले रहेंगे, ढीले रहेंगे। रहेगा दो बंधन, लेकिन ढीले रहोगे। जब दया रहेगी उनकी और नियम कानून का पालन करोगे, आदेश का पालन करोगे, लेकिन फिर दोबारा बंधन में नहीं आओगे। बंधन से फिर रक्षा हो जाएगी, आपका असली रक्षा बंधन हो जाएगा।